दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बारिश के मौसम वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। और हम इसमें बनाएंगे चावल दाल की पकौड़ियाँ और हम इसके साथ बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल। तो ये छोटे वाले चावल है, आप कौन से भी ले सकते हो। 1 कप डाल देंगे और हम इसके बाद डालेंगे 1/4 कप उड़द दाल। ये धुली उड़द की दाल है, तो 1/4 कप डाल देंगे इसे। अब इसको हम अच्छे से धोकर और इसमें हम पानी डाल देंगे 2 कप और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे अच्छे से फूल जाए। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, दाल और चावल अच्छे से फूल गए। अब इसका हम पानी निकाल देंगे। अब इसको हम दाल और चावल को मिक्सी के एक जार में निकाल लेंगे। तो ये थोड़ी ज़्यादा है इसलिए हम इसको 2 बार में पीस लेंगे। आधी हम निकाल लेंगे मिक्सी के जार में और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे फाइन एकदम। तो आप देख सकते हो अच्छे से एकदम पीस लिया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऐसे ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब हम दूसरा वाला भी ऐसे ही पीस लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो मैंने दोनों बार का बैटर एक बार में निकाले। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और हम आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे अच्छे से वो फूल जाए बैटर और अच्छे हमारे पकौड़ियाँ बने। तब तक हम इसके लिए चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मूंगफली का दाना। तो ये कच्चा है, इसको हम इसी में भून लेंगे और गैस को हमें लो रखना है। अच्छे से इसको भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। दोस्तों ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको 10 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया। तो ये हमने सजा धनिया लिया है और इसमें हम डालेंगे 7 से 8 लाल मिर्ची साबुत। अगर आपके पास साबुत नहीं है तो आप पिसी हुई भी पाउडर ले सकते हो लाल मिर्ची का और इन दोनों को हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, इसको भी हम कुछ सेकंड तक भून लेंगे। और देखिए सब अच्छे से मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 5 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब हम नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर। तो देख सकते हो हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसका हम ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे टमाटर अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से पक गए हैं और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसको हम इसी तरह ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसको पीसेंगे। दोस्तों देखिए टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, 2 छोटा चम्मच ऑयल लिया था और अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने और 1/2 छोटा चम्मच उड़द की दाल, इसको भी हम अच्छे से गैस चला कर चटकने देंगे। तब उसके बाद और इसमें हमने डाल दिए 1 लाल मिर्ची साबुत और 2 पिंच हींग। तो देखिए अच्छे से हमने चटका लिया है सब सारे खड़े मसालों को। अब इसको हम इसी चटनी में डाल देंगे। तो देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। दोस्तों देखिए बैटर को रख के 30 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ठीक हो गया है बैटर। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची, ये थोड़ी सी लाल है, आप हरी ले सकती हो। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा
अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अगर आपका बेटा थोड़ा सा पतला हो गया हो तो आप इसमें सूजी भी डाल सकते हो या आप चावल का आटा डाल सकते हो, और ये सब भी ना हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो अच्छे से बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। अब हम वो बैटर तैयार किया था उसकी हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। इस तरीके से बनाना है आप देख सकते हो, और एक कढ़ाई में जाकर डबल हो जाती हैं, तो आप इसके छोटे छोटे ही बनाएं। तो हम ऐसे ही बनाते जाएंगे और हम इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फूले फूले बने हैं। तो इसको हम इसी तरह क्रिस्पी होने देंगे और गैस को हमें मीडियम रखना है। तो देख सकते हो आप पकौड़ियाँ अच्छे से सिककर तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं क्रिस्पी। अब इसको हम निकाल देंगे बाहर, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और फूली फूली बनी है। ऐसे ही हम और सेकेंगे और ऐसे ही हम सारी सेक कर तैयार कर लेंगे। इनको भी हम निकाल लेंगे और सारी ऐसे ही हम सेक लेंगे। तो दोस्तों हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी करारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब हम रख देंगे इस पर कटी हुई थोड़ी सी प्याज, इससे और टेस्टी लगेंगे खाने में, और रख देंगे चटनी जो हमने बनाकर तैयार की है। तो हमारी बनकर तैयार है चावल की पकौड़ियाँ। आप इस बारिश के मौसम में ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और हमारी चटनी भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।